मैं अपनी जिंदगी के कुछ मसलों में बहुत ज्यादा उलझ गई। अच्छा ये तो बताओ, उस इब्राहिम का क्या हुआ जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की थी? उसकी शादी हो गई। क्या, किससे? थी हमारे साथ पढ़ने वाली एक घटिया लड़की। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उसने इब्राहिम पर। उसने अपनी फैमिली को ब्लैकमेल करके उस लड़की से शादी कर ली, हालांकि उसकी फैमिली वाले बिल्कुल नहीं पसंद करते थे उस लड़की को। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई है, अब क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो करूंगी। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। पता नहीं कहां चला गया, सारा कमरा छान मारा मैंने लेकिन मिल ही नहीं रहा। वक्त पड़ने पे ना कभी कोई चीज जो मुझे मिल जाए। अरे क्या हो गया किश्वर, क्या ढूंढ रही है? अम्मा फोन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहां चला गया। इब्राहिम साहब को कॉल करनी है, अगर अभी नहीं की ना तो बात कल पे चली जाएगी। वो पड़ा सामने। लो बताओ, ये तो हाल है तेरा, सामने रखी चीज तुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा सुन, मैं बाजार जा रही हूँ अपने एक काम से, आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक। जल्दी से कॉल कर ले, ठंडी मशीन लगने के दिन आने वाले। वालेकुम सलाम, कैसे हैं किशोर भाभी? इब्राहिम साहब ना पूछे, 104 बुखार है मुझे। 104 बुखार? इस मौसम में खैरियत क्यों, कैसे? गर्मी का बुखार चढ़ गया मुझे तो लग रहा है मेरे दिमाग पे चढ़ गया। ठंडी पट्टियां रख रखे ना, मेरे तो हाथ ही टूट गए। तो किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर की बात कर रहे, मैं तो हकीम के पास भी ले जाने वाला कोई नहीं है। इलियास को कहा था, कहने लगा फैक्ट्री जाऊंगा, कमा के लाऊंगा तो दवा दारू का बंदोबस्त होगा। आप तो जानते हैं हम दोनों के बारे में, सारे रास्ते पता है आपको। चले आप परेशान ना हो, मैं थोड़ी देर में कुत्सिया के साथ आता हूँ, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, कुत्सिया को कहने की जरूरत नहीं है, छोटे साहब साफ इनकार कर देंगे। हमें के ताल्लुक के बारे में तो पता है ना आपको। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं, I know। बस एक एहसान करते मेरे ऊपर, कोशिश करके ना आप आ जाए किसी तरह। कुत्सिया को नहीं बताइएगा मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। चले आप परेशान ना हो, मैं चक्कर लगाता हूँ। अरे किश्वर, अब तुझे इतने रोने रोने हैं ना छोटे साहब के सामने कि वो ठंडी मशीन लगवा के ही जाए घर से।